अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। नीला रानी ब्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अंडे का ऑमलेट। उसके लिए मैंने प्याज भी एक चॉप की है, हरी मिर्चें काट के डाली हैं। आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर इस वक्त नहीं है तो मैंने कहा चले इसको स्किप कर दें। नमक और थोड़ी सी मिर्ची डालनी है, रेड चिली। और जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा उस पर घी डाल के तो हमने इसको अंडे को डाल देना है और इस तरह फैला लीजिए। अंडा नीचे से ये देखे, अब हमने इसको पलट लिया है। अच्छे से इसको ना दोनों तरफ से लाइट ब्राउन सा या जिस तरह आपको चाहिए उतना करके तो फिर हम ब्रेड के ऊपर ना लगाएंगे जैम, नहीं सॉरी केचप लगाएंगे। आप जैम भी लगा सकते हैं। मैं केचप लगाऊंगी और अंडे को उस पर रख के इसके स्लाइसेस को फिर कट कर लेंगे। ये देखिए केचप लगाया मैंने, जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। सुबह का टाइम है, बच्चों ने स्कूल जा रहा है तो मुझे तो जल्दी है तो इसलिए मैंने कहा चले झटपट से। मैंने बेटे को बोला क्या याद करोगे तुम, तो वाकई में बहुत मज़े का बनता है। बच्चों को बना के दीजिएगा लंच में, बड़े खुश हो के बच्चे खाएंगे। सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है, इसको प्लेट में निकालिए। ये देखिए और इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।